मेरी प्यारी बच्चों एवं मेरी प्यारी साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुँची अपनी माँ के साथ, और अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने गई थी। तो पुलिस अफसर ने उससे पूछा, ये बताओ क्या आपके पति आपको मारते पीटते हैं? क्या वो आपको खाना कपड़ा नहीं देते हैं? क्या आपको वो परेशान करते हैं? क्या वो आपको प्रेशर डालते हैं कि अपने माँ बाप से ये सामान लेकर आओ, ये लाओ वो लाओ? लड़की ने हर प्रश्न का उत्तर नहीं में दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अफसर बहुत समझदार था, वो तुरंत समझ गया। उसने लड़की की माँ से कहा, बहन जी ये बताइए क्या आप दही जमाती हैं? लड़की की माँ ने कहा हाँ। तो कहा ये बताइए क्या आप उसमें बार बार उंगली डाल डाल के चेक करती हैं कि दही सही जमा है कि नहीं? लड़की की माँ ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ऐसा मैं करूँगी तो दही जमेगा कैसे? तो अफसर ने कहा, बहन दही को जमने दो, ये जो आपकी बेटी है ये अब तक दूध थी, अब इसकी शादी हो गई, ये ससुराल चली गई, ये दही हो गई है। अगर आप इसके परिवार में बार बार उंगली करती रहेंगी, अपनी वहाँ मत चलाती रहेंगी, तो आपकी बेटी कभी भी ससुराल में रह नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। तो उसे गलत मार्गदर्शन ना करें और उसको अपनी गृहस्थी स्वयं जमाने दें। जहाँ पर भी लड़की के ससुराल में उसके मायके वालों का अत्यधिक हस्तक्षेप होता है, वहाँ उस लड़की का घर कभी भी बस नहीं पाता है। ये उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको अपने अनुसार ही जीने दें। तो मेरे प्यारे लाडले बच्चों, मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे आपको आज की कहानी कैसी लगी। सबको टाटा बाय बाय, सबको मेरा नमस्कार। हम लोग कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।